या तो धन परिवर्तन कर ले अखिलेश यादव जी खुद भी। लड़ाई समाजवादी पार्टी से पिछले 20 सालों से चली आ रही है। रारी जब हम जीते थे पहली बार इंडिपेंडेंट, तो रारी जो है ऐसी सीट थी जिसको समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती थी, उसको हमने हरा के इंडिपेंडेंट हरा के हम लोग यहाँ से चुनाव जीते थे, तो उनको कसक रहती है। और मल्हनी उनकी बहुत अच्छी सीट है, वो उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं उनके हिसाब से है, क्योंकि यादव बाहुल्य सीट है, 1 लाख से अधिक यादव मतदाता है, तो उनको लगता है कि हमारी सीट है, पूर्वांचल की सबसे अच्छी सीट इसको समझते हैं। और इस सीट पे इस बार इनको हराएंगे, कम से कम 25-30 हज़ार वोट से हमारा हराएंगे इनको चुनाव। उपचुनाव भी हरा दिए होते हैं हम, उस समय उपचुनाव में हमको प्रशासन ने बहुत दिक्कतें उत्पन्न किया जिसकी वजह से चुनाव गड़बड़ हुआ। और वो एक डर है उनको, एक सीट जहाँ वो सरकार बनाने को सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारी खाटी सीट ही जा रही है। और यही हाल रहा तो मुझे लग रहा है जौनपुर में स्थिति बहुत ख़राब रही जिस हिसाब से वो कर रहे हैं, और अपने 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 गिरेबान में नहीं झाँक के देख रहे हैं किस तरीके के लोगों को कैसे टिकट दिए हैं, क्या किए हैं, और आप जो है दूसरों को अननेसेसरी का टारगेट कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना। और तो कोई मुद्दे हैं नहीं इनके पास, पिछले 5 सालों में कभी जनता के बीच सड़क पे तो गए नहीं, ट्वीट सड़क पे अगर निकले होते तो तब जनता की समस्या को समझते देखते। रथ यात्राओं से सत्ता परिवर्तन नहीं होती है, सत्ता परिवर्तन होती जनता के बीच में जाने से, पदयात्रा करने से। आपको एग्जाम्पल, आप लोग पत्रकार साथी हैं, चंद्रबाबू नायडू बहुत प्रोग्रेसिव लीडर कहे जाते हैं आंध्रा के, जगन रेड्डी ने 4400 किलोमीटर की पदयात्रा की, गांव-गांव घुमा और पूरे 3/4 मेजॉरिटी में सरकार बना डाली। तो जनता के बीच तो अखिलेश जी कभी गए नहीं पिछले 5 सालों में। कोविड चल रहा था तो कभी भी किसी अस्पताल में नहीं गए, यही कोविड के समय था, हमारे लोगों ने पिछले 72 दिन तक लगातार कोविड के लिए पूरे जिले में काम किया था, तब तो कोई दिखा नहीं यहाँ पे, कोई समाजवादी पार्टी का 3-3 विधायक यहाँ थे उनके, क्यों नहीं जौनपुर में किसी कहीं किसी के मदद के लिए खड़े हो गए। यहीं पारसनाथ यादव मंत्री भी हुआ करते थे, तब जिंदा थे पारसनाथ यादव, क्यों नहीं जाके कोविड में किसी की मदद कर दिए, लोग इन्हीं का बेटा था, सारे लोग थे, क्यों नहीं किया, आप बताइए। आप लोग तो इस जिले के रहने वाले हैं, कोविड में अकेले धनंजय सिंह जूझ रहे थे लोगों से, अस्पताल से लेके लोगों की मदद से लेके गरीब आदमी का, हम लोगों ने धर्म भी भेद किया था, हमारे लोगों ने जा के मुस्लिम बस्तियों में भी लोगों को सबको अनाज बांटे थे, तमाम हमारे जो मैं तो देखा था ऐसे ऐसे एडवोकेट्स जिनको जो नए वकील आते हैं लोग काम करने के लिए, वो डेली काम करते हैं जाके कचहरी में, तो पैसा पाते हैं जाके अपना घर का खर्चा चलाते हैं, 2-2 महीने कोर्ट बंद है, सर्वाइवल की क्राइसिस आ गई थी उनके सामने, सवाल खड़े हो गए थे। हम लोगों ने कभी किसी को अपना नाम बता के, कभी हम लोग टैग लेके हम लोग नहीं किए, लेकिन लोगों के लिए खड़े रहे। भाई विपक्ष का रोल नहीं होता, सत्ता पक्ष के ऊपर खाली उंगलियां उठाओगे आप, विपक्ष का भी रोल होता है, अपने पार्टी फंड से पैसा निकाल के चले होते, कुछ जगह दान किए होते तो समझता मैं, हम लोग तो अपनी जेब से दान किए, लोगों से चंदा लिए हैं, किसी से 50 रुपये, किसी से 1 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 2 लाख, जो जिस हैसियत में था लोगों ने चंदे दिए, लोगों ने हम लोगों ने काम किया है। पार्टियां बनाते क्यों, पार्टियों के लिए चंदा क्यों इकट्ठा करते हो, आप लोग खैरात बांटते हो, मेरी सरकार आएगी मैं 25 लाख दे दूंगा, मैं 50 लाख दे दूंगा, अरे आपके पार्टी फंड में तो पड़े हुए हैं 400-500 करोड़ रुपये, इसमें निकाल के बांट दो ना लोगों को। प्रदेश की जनता, यही जनता जिस जनता से आप उम्मीद करते हो कि आप वोट देके आपकी सरकार बनवाएगी, जब वो जनता समस्याओं से जूझ रही है तो समस्या के खोल दो ना पिटारा। इससे बढ़िया तो राजतंत्र, राजाओं ने अपने खजाने खोल दिए थे जनता के लिए जब अकाल और सूखा पड़ता था, तो ये आप अरोक्ष रूप से राजतंत्र रही है पॉलिटिकल पार्टियों, रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फंक्शनिंग है प्राइवेट जितने रीजनल पार्टीज हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने सही बात कही थी, एक एक घर से 45-45 लोक प्रतिनिधि हैं पॉलिटिकल, जितनी रीजनल पार्टियां हैं मैक्सिमम। हम तो इसके पक्षधर हैं कि पार्टी या तो नेशनल पार्टीज की पॉलिटिक्स हो, और हमारी पार्टी नेशनल पार्टीज रही है, नहीं तो इस तरीके का वो नहीं होना चाहिए, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स होनी ही चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी तो कोई फैमिली बैकग्राउंड की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, नेता जो एक आदमी जो राजनीति कर रहा है समाज के हित के लिए काम कर रहा है, इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हम लोग राजनीति के हम अपना कुनबा, अपना घर, अपना दुकान, अपना मकान सजाने के लिए कर रहे हैं, राजनीति जनता की सेवा। इसीलिए मैंने जनता पे हमेशा विश्वास करता हूँ, जनता के बीच जाता हूँ, जनता चुन के भेजती है मुझे, जनता ने कई अवसर दिए, जनता ने हमारे साथियों को अवसर दिया, समझ रहे हैं। एक सर आखिरी क्वेश्चन, 1 लाख पार के इस बार दावे हैं, कैसे तैयारियां हैं सर? बहुत अच्छी तैयारी है, पिछली बार उपचुनाव में भी हम लोग लगभग 90,000 उठ पाते, हमको प्रशासन ने डिस्टर्ब किया होता, इस बार उस जनता जो है एकदम उबी हुई है, 10 साल से मल्हनी को चारागाह के रूप में इस्तेमाल किया है समाजवादी पार्टी के लोगों ने,
जनता को, उनको कोई जनता के हितों का सरोकार नहीं है। इवन वो अपनी जात का भी काम करते थे, जिस जात से लोग आते हैं तो भी मैं समझता, वो तो समझते हैं जाति है, मजबूरी है, वोट देगी ही मुझे, और मुसलमानों को बरगला के वोट लेते हैं, मुसलमानों को डर दिखाते हैं। क्या यादव हिंदू नहीं है? किस मुसलमान को हिंदू का डर दिखाते हो? या तो धन परिवर्तन कर ले अखिलेश यादव जी खुद भी, हिंदू मुसलमान के खाने में इस देश में लोगों को न बांट के राजनीति की जाए। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक है, और जो नेता है उस अपने नागरिक के प्रति उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बराबर की होनी है, होनी चाहिए, होती भी है, और हम लोग वही करने का प्रयास करते हैं अपने क्षेत्रों में। हम लोग कभी विभेद नहीं करते, ना हिंदू ना मुसलमान, ना अहिर ना चमार ना ठाकुर, हम लोग हमारे लिए सब एक भारत के नागरिक हैं, उस नज़रिए से देखते हैं, जिसका हित है उसके लिए काम करते हैं, जिसकी आवश्यकता है ज़रूरतमंदों के लिए हम लोग खड़े रहने का प्रयास करते हैं।